वेलकम टू मैथिक्सिस ICSE क्लास 10 चैप्टर 8 मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज चैप्टर 8 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, कि आखिर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, मैट्रिक्स का मतलब है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी किस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, जो कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स नोट किया 2, 4, 6, 3, 8, 7, यानी इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ऐसे सीधा इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं और तीन वर्टिकल लाइंस हैं ऐसे। ठीक है, तीन देखिए वर्टिकल लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब है रो एंड वर्टिकल लाइन का मतलब है कॉलम। ठीक है, अब देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स का एग्जांपल था कि हम इस टाइप का मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है ऑर्डर, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म, वो कैसा है, तो MCQ पैटर्न पे है। किस टाइप का है, MCQ। तो MCQ में आपसे छोटे छोटे चीज़ पूछे जाते हैं, माने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैट्रिक्स दिया होगा, क्या देगा बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब है कि नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मैट्रिक्स दिया है, इसमें कितने रो हैं, तो रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1, 2। तो रो कितने हो गए, 2, और कॉलम कितने हो गए, तो 1, 2, 3। कॉलम कितने आ गए, 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2 × 3। ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3। देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका मतलब क्या होता है कि 2/3। कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 2/3। 2/3 मतलब क्या हो गया, कि जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो 2/3 है। 2/3 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम्स हैं। कितने हैं, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कैसे डिनोट करते हैं, m × n के फॉर्म में। m स्टैंड करता है किसके, रो के लिए, और n स्टैंड करता है किसके लिए, तो कॉलम्स के लिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, m स्टैंड करता है रो के लिए और n स्टैंड करता है कॉलम के लिए। कभी भी क्या लिखेंगे, पहले रो एंड देन कॉलम। सबसे पहले क्या नोट करेंगे, हरदम पहले नोट करेंगे हम लोग रो और देन कॉलम। ठीक है, देन अब आता है इसका नोटेशन। अब जो इसमें ये नंबर्स लिखे गए हैं 2, 4, 6, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर mn ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें m × n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m × n नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 × 3 कर लीजिए, जितना आएगा उतने ही एलिमेंट्स होंगे, 2, 3, 6, यानी इसमें 6 एलिमेंट हैं। तो और कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 4 × 2 का है, यानी कि 4 रो 2 कॉलम, तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देन हम बात करते हैं कि ये तो था आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हम इसका नोटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स लिखा है, जिसको हम लिख देंगे मैट्रिक्स ए, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 2, 4, 6, 3, 8, 7, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब जो इनके एलिमेंट्स हैं, जो इनके एलिमेंट्स हैं,
मान लीजिए मैट्रिक्स के एलिमेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे एम इंटू एन। देखिए जो ये एलिमेंट्स हैं, ये ए आई जे हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स के पोजीशन बताते हैं। जो ए आई जे लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू में ए स्मॉल आई इंटू में जे, ये क्या बताते हैं, तो एलिमेंट्स के पोजीशन कि किस प्लेस का एलिमेंट है। आई स्टैंड करता है रो के लिए और जे यहाँ पे स्टैंड करेगा कॉलम के लिए, ठीक है। आई स्टैंड करेगा रो के लिए, जे स्टैंड करेगा कॉलम के लिए। कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए ऐसे लिखेगा ए इक्वल्स टू में कैपिटल स्मॉल ए आई जे, ठीक है। आई जे का मतलब क्या हो गया, मानिए हमने मैंने इसे लिख दिया कि ए वन वन, यानी कि मैट्रिक्स ए का पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट। कैसे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ए का पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, माने मैंने ऐसे लिखा इसको ए स्मॉल ए वन टू, यानी मैट्रिक्स ए का पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। यानी हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या डिनोट करते हैं कि किसी गिवन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, ए आई जे, आई स्टैंड करता है रो के लिए और जे स्टैंड करता है कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब कुछ हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक सिंगल रो हो, उसको हम बोलेंगे, इसमें क्या हो, ओनली वन रो, तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स नोट किया 2, 4, 6, 8, इसमें क्या है, तो सिंगल रो है, सिंगल रो है, और कितने कॉलम्स हो जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1 × 4 का होगा, क्योंकि एक रो है और चार कॉलम है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, तो मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 2, 3, 6, तो ये क्या हो गया, तो सिंगल रो और थ्री कॉलम का एलिमेंट, थ्री कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 3, पहले हम क्या लिखते हैं, रो और देन कॉलम, ठीक है। सेकेंड जो टाइप का मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, फिलहाल हमें सिर्फ 5 टाइप ही पढ़ने हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम, जो ओनली वन कॉलम कंटेन करे, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रो चाहे जितने भी हो जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए मैंने इसको नोट कर लिया 2, 3, 6, क्या हो गया, इसमें सिंगल कॉलम है और तीन रो हैं, 1, 2, 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 1, ठीक है। एक और अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, इसी को उल्टा लिख दें, 2, 4, 6, 8, यानी इसमें 4 रो हो जाएंगे और एक कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 × 1। तो ये था एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। थर्ड जो टाइप का मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितने रो हो उतने ही क्या हो, कॉलम हो, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने उसमें रो हैं उतने ही कॉलम हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, इसमें क्या है कि 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे 2, 4, 6, 8, 3, 5, 4, 2, 1, ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 × 3 का है, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ भी जान लीजिए, इनको हम बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगनल, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। और जो इनके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसको जान लेंगे हम, जीरो और नल मैट्रिक्स ये क्या होगा। देखिए जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, 0, 0 हों,
ठीक है, जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस क्या हों, तो जीरो हों। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जीरो जीरो, इसके दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के दोनों जीरो हैं। इसमें चार एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों क्या हैं, जीरो हैं। इसमें छः एलिमेंट्स हैं, सभी क्या हैं, जीरो हैं। तो इनको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो आखिरी आपका टाइप हमको पढ़ना है वो फिफ्थ वाला, वो आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम डिनोट करते हैं किससे, जान लें अभी, जेड से, कैपिटल जेड से जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल जेड से, या फिर ओ लिख देगा आपका, ओ का मतलब भी क्या है, तो जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसको भी जानने की, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगनल एलिमेंट इज वन, देखिए हमने पढ़ा था इसमें कि इसको हम कहते हैं डायगनल एलिमेंट्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, वन वन हो जाएं। ठीक है, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, जैसे कि ये डायगनल एलिमेंट्स हैं वन वन, बाकी सभी क्या हैं, जीरो जीरो। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। देखिए जितने डायगनल एलिमेंट्स हैं क्या हैं, सभी वन हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो ये दो हैं एग्जाम्पल यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब एक और टॉपिक इसमें हमें जानना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कब हम कहेंगे कि कोई दो मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेंगे इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम कब कहेंगे कि कोई दो मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है एंड एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अगर दोनों का, पहली बात तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि जितना इसमें नंबर ऑफ रो उतना इसमें भी नंबर ऑफ रो, जितना इसमें कॉलम उतना इसमें नंबर ऑफ कॉलम। दोनों का पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब, तो मानिए यहाँ पे मैट्रिक्स 2 4 6 8 है, तो ये अगला जो मैट्रिक्स होगा वहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 सेम, हर एक सेम प्लेस वाला नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 के प्लेस पे भी 2 होना चाहिए, 4 के प्लेस पे 4 होना चाहिए, 6 के प्लेस पे 6 है, तो 8 के प्लेस पे भी 8 होना चाहिए। यानी हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा और ऑर्डर सेम होगा, तो उनको हम बोलेंगे क्या है, वो इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन बताऊँगा। थैंक यू।